हेलो गाइस, आप सबका स्वागत है आपके फेवरेट रिएक्शन चैनल में। और आज हम लेके आए हैं मार्क एंटनी सीनेट का रिएक्शन। सो ये बहुत फन चल रही है मूवी और बहुत मजा आ रहा है मेरे को। इवन तो इनके जो विलन है ना, वो भी मेरे को फन दे रहे हैं। फनी, ऑफ कोर्स फनी है इनके। तो ये नहीं हो रहा है, एक प्रॉब्लम होती है ना कि यार विलन ये चीज लेके क्यों चला गया। ऐसे होता है। और ये डा अब्बा वो ऐसे बहुत फनी छोटे छोटे से विलन है। हाँ तो बहुत फनी है ऐसे। देखेंगे अभी क्या करते हैं, मदन क्या यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। देखते फिर आप भी देखो, हम देखते हैं। इनको पता चल गया क्या? ये यार, तो मेरे को खुशी तो हो रही है। मामे, मामे, ये ना मामे बस स्टैंड ला, नमक बस लो भाई, ये तो रोष आ गए, नमक बस तो सेफ्टी के लिए तेरी मिला। नहीं, नहीं कुछ भी नहीं, मामे, कुछ भी नहीं ला, मैं मीटिंग अभी पढ़ दे। भाई, डर लगे नहीं है ऐसे कोई रिएक्ट करे तो। डबल डेकर बस। खाली खाली எங்க தான் மாமா மீட்டிங்? பஸ்ல தான் மீட்டிங். ஓ कौन आया हुआ है? कौन है ये? ठीक है। ओह ये ना सेल स्मिता, वो बहुत बड़ी एक्ट्रेस थी जिसके ऊपर वो एंटरटेनमेंट मूवी बनी है विद्या बालन वाली। हाँ 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 हाँ। ओह ओह अरे हाँ, वो तो डर्टी पिक्चर में थी वही। हाँ यस यस, सच में वही है ये? नहीं वो तो हो गया उनका टाइम, वो पुराने इधर वो दिखाया है ना, सिमिलर है ना वो। हाँ। मतलब தப்பு தப்பா கால்ஸ் வருது, கொலை பண்ணிடுவேன்னு மிரட்டுறாங்க, போலீஸ்க்கு போனாலும் பிரச்சனை. அதான் நான் உங்களை தேடி வந்திருக்கேன். இந்த சில்க்கு ஆண்டனி ஹெல்ப் பண்ணுவாரா? ஆஃப் கோர்ஸ். காகவோ சில்க்குக்காகவோ நான் எங்க வரல, ஒரு பொண்ணா எல்லா கஷ்டத்தையும் தாண்டி ஜெயிச்சு நிக்கிற இந்த விஜயலட்சுமிக்காக வந்திருக்கேன். தேங்க்யூ ஆண்டனி, நீங்க ரொம்ப நல்லா பேசுறீங்க. ஆனா உங்க மேசக்கார ஃப்ரெண்டு மட்டும் பேச மாட்டேங்கிறாரு. இவன் லேடிஸ் விஷயத்துல டிசிப்ளினான கேங்ஸ்டர். அந்த காரணம் நிக்கல வித்அவுட் பவுண்டரிஸ் லெட்ஸ் ஹேவ் ஃபன். இன்னைக்கு ராத்திரி இந்த சிலுக்கு இந்த ஜாக்கி தான் பாதுகாப்பு. உடனே மூதர் கல்யா ப்ரோக்ராம் கேன்சல், போங்கடா போய் புள்ள குட்டிகளை படிக்க வைங்களா, போங்கடா ப்ரோக்ராம் கேன்சல். அரே அரே பரி எல்லோருக்கும் விருதி ஆக आज उनको लगा बुला रहे हैं। अरे यार रुक जाओ यार। ओहो वाव, ये
காயம். बहुत ब्रूटल दिखाया है भाई। एंटनी मतलब बात को सिल्क का बात कर रहे। अच्छा वो सिल्क को बचाने के लिए कर रहे हैं। भाई मैं सोचूं वो क्यों मारे इन बंदों को? ये तो करवा दिया है। नहीं तो ना वावान कूटा। ना पोपुन सुना? वावान कैसा? वावान कैसा? वावान वावान कैसा? ये ना निपटा वावा। वावा पनी। नहीं वावान। वो ड्राइवर चला रहा है। सारे बंदर लग रहे हैं मेरे को। वो ड्राइवर चला रहा है। ये भी ओ बंदर को बंदी है। बंदर ने यहाँ का पार करा। इन्हें क्या टनी नहीं के पात कोंगे है फिर करना पात करेगा एंटनी को ऐसे तोड़ना कोई मार देता है। हाँ तो क्या वो ये बस ले ना नूर के ना बाबू पड़ गया। अबे बस ओ पागल अलग ही लोग हैं। अपने ही लोग बम फोड़ रहे हैं। दिवाली है गाइस, दिवाली है। टा 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 और वू टा 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 उस सिल्क ने मास्क पहन लिया। एक्टिंग अच्छी कर लेते। आ रहे पकड़ो मेरे को। ओ वाह सिल्क इज ओके सिल्क पोचा ओले हीरो कोड़े बेचारा ही देख लेगा तो मर जाएगा। रियल हीरो ओले उसका बैट देख मैकेनिक है ना तो कार वाला बनाया है। मस्त थीम है। अरे गैरेज कुछ नहीं किया पापा ने वापस किया है। ஹலோ என்ன ஹலோ என்னாச்சு? ஒரு சின்ன தப்பு நடந்துருச்சு. பக்காவா பிளான் போட்டு தான் போனேன். கொலை பண்ண வேண்டிய நானே அவனை கடைசியில காப்பாத்த வேண்டியதா போச்சு. ஏன் பஸ்ஸுக்குள்ள நடிகை சிலுக்கு சிலுக்கா சிலுக்கா டேய் அப்பா பொம்பளை சோக்கு கேக்குதா உனக்கு பொம்பளை சோக்கு இங்க நீ பெத்த பிள்ளை அஞ்சுக்கு பத்துக்கு அழுக்கல பிறகு சோத்துக்கு சிங்கி அடிச்சுக்கிட்டு இருக்கா சிலுக்கு கேக்குதா உனக்கு சிலுக்கு புறம்போக்கு பொண்ணாட நாயே நாளைக்கு வாங்க சார் ப்ளீஸ். இன்னைக்கு கையில கன் இருக்கும்னு நினைச்சேன். ஸ்பேனர் தான் இருக்கு. உங்களுக்கு புரியுது சார். ஆனா இந்த போனுக்குள்ள இருக்க நாய்க்கு தான் புரிய மாட்டேங்குது. ஒரே நாள்ல எல்லாத்தையும் மாத்திடுவான்னு நினைச்சேன். நாளைக்கு வாங்க சார். எல்லாம் மாறி இருக்கும். நல்லா இருக்கும். ஃபோன் பண்ணி சார். இன்னும் ரெண்டு நாள்ல உங்க வண்டி மாறி போகும். ரோட்ல போறவன் என்ன வந்து கண்ணா பின்னாடி பேசிட்டு போறோம். நான் யாரு
காட்ஃபாதர் ஜாக்கி பாண்டியனோட மகன் மெக்கானிக்கா இருக்கலாமாடா. அந்த ஆண்டனியை க்ளோஸ் பண்ணிரு. கவலைப்படாதடா மாவனே, இங்க ஆண்டனி கதையை ரோஸ் ஏய் வந்து உன்ன சந்திக்கிறேன். मास सीन इसको कहते हैं, बहुत मजेदार था यार. क्या फाइटिंग की है दोनों ने, सही में कुछ ना कुछ चलता ही जा रहा है. सच में क्या फाइटिंग की है जैकी ने. एक्टिंग की है यार, फाइटिंग की. जैकी ने जैसी वहां पे सिल्क को देखा, और यहाँ पे ये बहुत अच्छे दोस्त निकल के आए भाई. हाँ. इन्होंने तो मस्त सिल्क से मिला दिया, इनको पता होगा इसको सिल्क बहुत पसंद है. हाँ. तो इन्होंने मिलवा दिया, और वो कैसे मुंह फेर के बैठे, जबकि ये भी गलत. मेरे को पता है, तभी मेरे को डाउटफुल ऐसे हो रहा था, क्या पता इनके माइंड में कुछ प्लान चल रहा हो जैकी वैकी को मारने का, पर नहीं, वो जेन्युइन ही थे उसके साथ. हाँ, पर एंटनी का भी अलग है, क्योंकि देखा जाए दो तीन दिन पहले या एक दिन पहले ही वो जैकी की वाइफ मरी है. हाँ. और अगले दिन उसको सेल से मिलवा दिया. मेरे ख्याल से उसका मन बहलाने के लिए कर रही हूँ कि फ्यूचर में हम कब देखेंगे ये इसको एंटनी को. हाँ. पर उसकी एंट्री नहीं हो रही है, पता नहीं अब क्या होने वाला है, कौन जीतने वाला है जैकी और उसमें से. फन था, और जो ऊपर वाले जो सीन बनाया था ना, वो बहुत फनी सीन था. कैसे वो जा जाके, तुम आए क्यों, क्यों आए, बम मत फोड़ो, बम फोड़ दिया उन्हें बस में. हाँ, ऊपर वो मार रहे हैं उसको, जैसे दिख गया, अरे मेरे को पकड़ पकड़. वो बहुत फन क्रिएट कर रहे हैं, देखेंगे आगे सीन कैसे होता है. तो आप लोगों को कैसा लगा, आप एक कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा. तो ऐसे लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब करिए. बाय.